नमस्कार, न्यूज 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। इस वक्त भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की मुहिम जो है वो और तेज हो गई है और आज दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी ये ट्रायल शुरू हो गया है, मानवीय परीक्षण, जहां दिल्ली के ही रहने वाले एक व्यक्ति को आज पहली कॉन्वैक्सिन की डोज लगाई गई है और अब इस व्यक्ति को अगले एक हफ्ते के लिए निगरानी में रखा जाएगा। जो भारत बायोटेक के द्वारा कॉन्वैक्सिन वैक्सीन बनाने की इस वक्त मुहिम चल रही है भारत में, उसके अंतर्गत 12 इंस्टीट्यूट्स भारत के विभिन्न कोनों से ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जहां ये ट्रायल मानवीय परीक्षण किया जाएगा। उधर रोहतक में इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी इसकी शुरुआत हो गई है। इसका पहला मानवीय परीक्षण फेज जो है उसमें 375 लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद फेज टू में 750 लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी तक 2000 लोग अपने आप को इस ट्रायल के लिए पहले ही एनरोल कर चुके हैं। पहले फेज में लगभग 18 साल से 55 साल के उम्र के लोगों को लिया गया है और फेज टू में इसमें 12 साल से 65 साल तक के उम्र के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। ये एक ऐसी मुहिम है इस वक्त भारत में जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और अगर ये कॉन्वैक्सिन वैक्सीन सक्सेसफुल होती है तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये भारत की पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ होगी और साल के तक या अगले साल के शुरुआत तक ये वैक्सीन मार्केट में भी आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। इस वैक्सीन में खासतौर से दो डोजेस लगाई जाएंगी, दो की दो हफ्ते के अंतराल पर लगाई जाएंगी और फिर देखा जाएगा कि इससे व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है या नहीं और कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होता और जो डोज दी जा रही है वो भी व्यक्ति के लिए सही है या नहीं। तो इन सभी चीजों को इसमें ट्रायल में देखा जाएगा, मापा जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे ये फेज वन, फेज टू और फेज थ्री की तरफ ये ट्रायल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, न्यूज 24 की तरफ से नमस्कार।